हेलो फ्रेंड्स, ये है कोबरा हेयर ट्रिमर जिसकी मैंने एक वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी। तो उसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी ब्लेड को ओपन करके दिखाइए और इसकी चार्जिंग टाइम क्या है और ये कैसे चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका बॉक्स और चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या मिला था। तो इसमें ये एक हेयर ट्रिमर मिला था और जिसको कि आप अभी देख चुके हैं, और इसके साथ ये तीन कंब मिले थे, इनको भी लगाना मैं बताऊँगा। और इसके साथ इसमें एक आयल मिला था और एक ब्रश, और यहाँ पे एक केबल मिली थी जिससे हम चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जैसा भी आप साइज रखना चाहते हैं अपने बाल का, तो उसके हिसाब से आप ये कम लगा सकते हैं। ये 3 mm का है और ये 9 mm का है और ये 6 mm का है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा लेना है, उल्टा करना है और इसको यहाँ पे फंसा देना है और यहाँ पे आपको ऐसे दबा देना है तो ये लग जाएगा। और यहाँ पे आपको एक स्विच मिलती है जिससे आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और पीछे करने पर आप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग इंडिकेटर एलईडी बल्ब लगा है तो ये रेड जलता है जब चार्जिंग होती है। और एक भाई ने पूछा था क्या ये फुल चार्ज होने पर ग्रीन हो जाता है, तो ये ग्रीन नहीं होता है, रेड ही रहता है। और इसकी चार्जिंग टाइम 8 से 10 घंटे होती है और इसका बैटरी बैकअप तो कमज़ोर है, 30 से 40 मिनट चलता है। तो दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ ये ब्लेड कैसे ओपन करते हैं। तो इस ब्लेड को ओपन करने के लिए सिंपली आपको इस तरह से दोनों अंगूठे से ऊपर की तरफ पुश करना है, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये मोटर लगी है, तो यहाँ पे आप इसे अपने ब्रश की सहायता से इसे साफ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको अंदर से भी खोल सकते हैं, इसके अंदर भी बाल चले जाते हैं तो उसे भी आप साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और इसे आप खोल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये ओपन होगा, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा बाल आ गया है। तो कुछ उस प्रकार से ये दो ब्लेड होती हैं और इन्हीं से हमारा जो हेयर है ट्रिम होता है। और इसमें एक ये प्लास्टिक लगा होता है और एक ये, और इसके साथ एक ये क्लिप लगी हुई है, तो इसे आप साफ कर सकते हैं ओपन करके। लेकिन आप इसे डेली मत ओपन करिए, कभी कभार 1-2 महीने में करिए। तो इसे ओपन करने के बाद आपको फिट करना है। तो दोस्तों, इसको फिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये छोटा वाला ब्लेड लेना है और इसमें आपको ये प्लास्टिक वाला इस प्रकार से लगाना है, इसमें एक निशान बना है तो इसमें आपको ये फंसा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको देख लेना है ये फिट है कि नहीं। इसके बाद आपको ये स्प्रिंग लेना है और यहाँ पे आपको 2 छेद दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपको अटैच करना है। और इसके बाद आपको ये बड़ा वाला ब्लेड लेना है और इसमें आपको इस प्रकार से रख लेना है, यहाँ पे आपको सेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे इसको लगाना है, इस प्रकार से दबा लेना है और दबाकर इस साइड आ जाना है। और यहाँ पे आपको होल दिखेगा और दोनों का होल सेम होना चाहिए और इसको आपको लगा देना है दबा के। और इसे कस लेना है, तो कसने के बाद थोड़ा यहाँ पे उठ जाएगा। इसे अच्छी तरह कस लेना है और ये देखना है कि आपका ये रोटेट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं।
तो इस प्रकार से आपका ये फिट हो जाएगा। और इसमें आपको ये आयल साफ करने के बाद ये आयल डाल लेना है यहाँ, तो इससे यहाँ पे इसमें नमी बनी रहती है और ये ब्लेड में धार बनी रहेगी। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे मोटर चलती है। इसके बाद चलिए इसमें फिट कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। तो इसको आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एक खांचा बना है, तो यहाँ पे आपको एक खांचा दिख रहा होगा, तो इसमें आपको ये डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ ये प्रेस कर देना है, तो ये आपका फिट हो जाएगा। और इसे आप चला के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका ब्लेड ओपन करके और क्लीन कर सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। और दोस्तों, चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, तो आपका ये चार्जर मिलता है, तो यहाँ पे आप ये लगा के और इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आप चार्जिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो चार्जिंग का वोल्टेज होगा 220 से 240 होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।